ले लो फिलहाल, आप भी ले लो, आप ले लीजिए और जिसने भी लेना। चलो यहाँ पे बिस्तर खाए सल्फा कर दूँ। ये अम्मी लाई है मिठाई मेरे पहले वाले घर पर, अपने नए घर में। जी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे हमारी दोस्त मोहब्बत से प्यार से। ओल चप्पू बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और आज बता दो हमारे घर में क्या होला है? आज हमारे घर में मिलाद कुरान खानी होगी। अल्लाह अल्लाह हो रही है, अल्लाह पढ़ेंगे। मुझे भी अल्लाह अल्लाह पहने, मम्मा मुझे भी स्कार्फ पहना लो। स्कार्फ नानी लाई थी उम्रे से। ठीक है, आप अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगी, आप अपना सिपारा पढ़िएगा, ठीक है, बच्चों के साथ मिलके, ठीक है, और दुआ कीजिएगा पापा के लिए, नानों के लिए, सबके लिए, ठीक है जी। चलो जी, आप अभी जल्दी से आप थोड़ी देर देख लो मोबाइल, मम्मा जल्दी से जो है ना फटाफट बिस्तर उठा कर आज बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट मैंने ये निकाल दी है, ये मेरे पास चार तकिए ना, मैंने तो चार अस्तर निकाले हैं, दो ये वाले मैंने सेम मैचिंग के ही निकाले, दो ये हैं इस बेडशीट के साथ के हैं, और ये मैंने ये वाली बेडशीट, पहले मैंने ब्लू निकाली, मैंने कहा चलें ये वाली बिछा लेती हूँ, लाइट कलर है अच्छा लग रहा है, तो ये वाली बेडशीट मैंने निकाली है, ये देखें ये बिछा रही हूँ मैं अभी। तो फटाफट से जल्दी से मैं ये पहले अस्तर इसे चढ़ाती हूँ, फिर अस्तर चढ़ाने के बाद बेडशीट चढ़ा के सारी सफाई करके डस्टिंग करके फिर चादर बिछाऊँगी इधर, ताकि बच्चे आएंगे ना तो यहाँ आराम से बच्चे बैठ के पढ़ लेंगे। काम से करे वहाँ मोबाइल में रखे ना अपने कंबल, वहाँ वो देख रही है, सौरभ जोशी देख रही है, सौरभ जोशी और कुणाल, कुणाल देख रही है, सौरभ जोशी देख रही है। तो यहाँ पे कुणाली, अच्छा जी कुणाली, अब यहाँ पे मैं इस पिल्ले अस्तर चढ़ा रही हूँ सारे, इनको निकालती हूँ। ये मेले हैं, इनको साइड पे रखते हैं, इस पे चढ़ाते हैं अपना अस्तर ये वाला। एक मैंने ये वाला चढ़ा लिया इससे, ये भी आखिरी है, इसको चढ़ाते हैं फटाफट फटाफट से, अपनी बेडशीट भी चेंज करते हैं और सारी डस्टिंग भी करते हैं बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम। और ये मुझे मैचिंग के मिल गए थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि मेरी जो ऐसी बेडशीट थी ना वो ख़राब हो गई है, तो मैं तो उसके अस्तर में ना रीयूज़ कर लेती हूँ। और मैं अभी जो है ना सुई धागा हस्बैंड के पास है, इस पर जो है ना ये यहाँ से इसको पूरा पैक कर देती हूँ सिलाई लगा के ना, तो फिर ये हिलते जुलते नहीं है, ज़बरदस्त काम हो जाता है। चले जी हमारे तो हो गए अस्तर रेडी, दो ये रे और दो जी ये चार हो गए, अब बिछाते हैं अपनी चादर बेडशीट। ओके जी यहाँ पे बिस्तर सही कर रही हूँ, सारे कंबल वगैरह अपनी रज़ाई वगैरह तय करके रख रही हूँ, और मुस्तकिल जोहा मुझे परेशान किए जा रही थी, कभी उसको वॉशरूम जाना है, कभी उसको पोटी आ रही है, कभी उसको खाना खाना है, जब बहुत ज़्यादा काम हो ना और टाइम कम हो तो बच्चे भी बड़ा तंग कर रहे होते हैं। और जोहा माशाल्लाह से बड़ी हैं लेकिन वो अपनी मूड पर हैं, बस उनको जब उनका मूड नहीं होता ना फिर वो बस कहती हैं मेरे साथ ही चिपकी रहती हैं कि मैं उनके साथ खेलूं, और वो मुझे तंग करती रहती हैं। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको भिलाया फुसलाया है, और यहाँ पर मैंने अपनी चादर चेंज की है, सारे तकिए वकिए उसके मैं ऑलरेडी पहले चेंज कर चुकी थी, अब ये मैंने लाइट कलर की चादर बिछाई है, पहले मैंने ब्लू चादर निकाली थी, मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा वो बाद में बिछा लेंगे, अभी मुझे ये समझ में आ रही थी ऊपर ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ज़रा ये बिछा लेते हैं। जल्दी से अपनी चादर बेडशीट बिछाते हैं, और मैं पूरा गद्दा उठा के ना फिर इसको सेट करके बिछाती हूँ, ताकि ना ये बार बार खिसके ना ना आगे पीछे ना हो। और यहाँ पर मैंने अपने तकिए के अस्तर भी लगा दिए, और बीचे मैंने ना वो मेरे पास एक कुशन रखा था वो लगा दिया। बिछा लिए जी बेटा, भूख लग रही है, क्या खाना है? बिरयानी गर्म करके दूँ? हाँ चलो आप बैठो, पर मैं बिरयानी गर्म करके दे रही, सफाई बाद में करूँगी, पहले जोहा को भूख लग रही है इसको कुछ खिलाती हूँ। हाँ बेडशीट चेंज कर लिए, बस सफाई और डस्टिंग रह गई है, पहले जोहा को कुछ खिलाऊँ उसके बाद, और हस्बैंड को दिखाती हूँ हस्बैंड क्या कर रहे हैं। ये पूरा शर्ट डाल दिया है उन्होंने, ये देखें ऊपर डबल शर्ट डल गया है, और हल्का का ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ग्रीन ग्रीन, ये देखा के लिए थोड़े से चावल निकल के लाई हूँ, और जोहा को मैं फटाफट से नाश्ता करवाऊँ, ताकि इनका पेट भर जाएगा ना, फिर मैं सुकून से काम करूंगी। हाँ अमित देख रही है, अमित देख रही है, मिस्टर इंडियन हैकर का दोस्त, मिस्टर इंडियन हैकर का दोस्त है अमित। चलो ठीक है, फिर खाना खाओ जल्दी से फटाफट से अबूबा। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डोगियों की आवाज़ आ रही है आपको? वो खिड़की से, खिड़की खोली हुई है ना, साफ आवाज़ आ रही है डोगियों की, धूप भी देखें यहाँ तक शेड आ रहा है, जो देखो खिड़की का शेड आ रहा है, चकोर पूरे खिड़की और ग्रिल का शेड आ रहा है, देख रहे हो आप, ये देखो वहाँ से, और बाहर हमारा पूरा ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रीन हमने शेड डाल दिया है ना, पिंक हो रहा है, पिंक हो जाएगा।
मैंने खाना ना खिला दिया है, मैंने खुद भी खा लिया है। जोहा अपने पर्स से खेल लिया, कह रही मम्मा मुझे मेरे कॉइन्स दे दें। ये जोहा के कॉइन्स है, जो कॉइन्स जोहा जमा करती है। खोल के दिखाओ, और ये आपकी कोको मो खा लो। मोबाइल बंद करो, जो अपने कॉइन से खेलना है। तो पापा का मोबाइल है ये, दिखाओ कॉइन्स दिखाओ। ओहो, ये नीचे रखो, खजाना है ये देखो, इसमें अंगूठियाँ निकल आई हैं। जोहा खजाना तो निकला आपके, आपकी छोटी छोटी अंगूठियाँ निकल आई हैं। ये खजाना ही तो है। हाँ, जोहा के अंगूठे, जोहा के खजाना है। ये देखो जोहा के कितने सारे कॉइन्स हैं, ये देखें। ये सारे जोहा जमा करती है, सालों से जमा कर रही है। हाँ, ये बहुत टाइम से जोहा जमा कर रही है। जब बचते ना हम देते हैं, जोहा अपने डब्बे में डाल देती है। पहले जोहा के पास मनी बॉक्स था, वो पिंक कलर का, वो टूट गया, तो मैंने ये डब्बा दे दिया। मैं कहा इसमें रख लूँ, जब अभी आएंगे ना फिर आपके लिए एक नया मनी बॉक्स भी लेकर आऊँगी। ठीक है, चल चलो अभी खेलो आप, मम्मा फटाफट सफाई कर रही है। ठीक है जी, हाँ वो असल में रात में सो रही थी, तो इनकी ना एक आँख चिपक गई, तो वो रो रही। मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हो जाता है बच्चों को यार। चलो खेलो, घुमाना नहीं कॉइंस। ओके, हाँ गुड गर्ल। ओके ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दी पैर दुआओं के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ। और जी आज हो रही है कुरान खानी घर में, तो फटाफट से मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, जोहर को खाना भी खिला दिया, वरना मेरा अब तक काम हो चुका होता। मगर जोहर ने कहा मम्मा जान मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिला दें। तो मैंने जोहर को खाना खिला दिया, मेरा जोहर खाती रहेगी ना, तो बच्चे खा लेते ना, तो माँ इतना बड़ा सुकून फील करती हैं, फिर सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अब जोहर अपने कॉइन से खेल लिए, मैंने उसको कॉइन्स दे दिए। मैं कहा कॉइन से खेलो, उसके पास का छोटा पर्स भी है, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा। मैंने कहा कॉइन से खेलो, जब तक मम्मा फटाफट सफाई करती हैं, सफाई करके फ़ोन डस्टिंग करके फ़ोन चादर से बिछा के कमरे को बिल्कुल रेडी करती हैं, फिर जोहा को नहलाऊंगी। जोहा का पानी भी मैंने हस्बैंड को बोला है, उतर आओ भाई, नीचे उतर आओ जल्दी से, ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऊपर ठोक रहे हैं, शीट लगा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से आपके पास सिलेंडर से थोड़ा, मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैंने कहा आके ज़रा पानी रख दो, तो फिर मैं फटाफट सफाई करके डस्टिंग करके जोहा को नहलाऊँ। फिर जोहा को नहलाने के बाद मैं खुद नहाऊँगी। जब तक बच्चे आ चुके होंगे तो सारा काम भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका होगा। वॉशरूम क्लीन करना, क्योंकि कल मिलाद भी करनी है, आज कुरान खानी है, कल मिलाद करूँगी, तो उसके लिए जो है ना, ये कौन उतर रहा है? ये हमारी खिड़की से कोई उतर रहा है, देखो ये देखो, ये कौन है? ये देखो कौन आ गया हमारे घर में, जोहा। नहीं, वो जो हस्बैंड के दोस्त ऊपर काम कर रहे हैं ना, वही हैं। तो जल्दी से फिर काम निपटाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ना बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले काम निपटाते हैं, बातें भी साथ करते रहेंगे। और ये मेरा ज़िंदगी का हिस्सा, ये मेरा ट्राईपोड, इस पर लगाते हैं मोबाइल और फटाफट करते हैं वीडियो शूट, सफाई की, क्लीनिंग की, क्योंकि हस्बैंड भी बिजी है। मैंने कहा अपना काम करके उतरना, ऐसे नहीं उतरना, क्योंकि एक वो काम निपटाएंगे, एक मैं काम निपटाऊंगी, दोनों काम निपटाएंगे तो काम हो जाता है। वो काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई मुझे कि आप ही नहीं, काफ़ी लोग जो थोड़े से जेलिस होते हैं ना, थोड़े से वो कहते हैं हाय अल्लाह देखो हस्बैंड को कैसे नौकर बना के रखा हुआ है। तो नहीं जी, नहीं, कोई नौकर नहीं बनता। बीवी का हाथ बटाना ना अच्छा होता है, लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, प्यार मोहब्बत रहता है, हाथ बटाना चाहिए। अगर मैं तो कहती हूँ आपके ये बेटे हैं, तो अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी काम की आदत डालें, ताकि आने वाली जो बहू है या जो दूसरी लड़की होगी उसको थोड़ा सुकून मिले। अच्छा होता है दोनों में भी जब मिल बांट के काम कर लेते ना, तो उसमें कोई नौकर, कोई गुलाम, कोई जोरो गुलाम कुछ नहीं होता है जी, ये आपका प्यार मोहब्बत होती है बस। ठीक है जी, चले बस काम निपटाते हैं फटाफट से। चले जी, सबसे पहले दुपट्टा को बांध लेते हैं, अपने ऐसे कस लेते हैं दुपट्टों को, फटाफट कस लेते हैं, ताकि काम में हमारे डिस्टर्ब ना करें। ऐसे अल्लाह, जब अभी कुरान खानी होगी तब पढ़ेंगे ना अल्लाह। ओके चलो आ जाओ। ओके जी, यहाँ पे मेरी सफ़ाई हो रही है, क्योंकि सफ़ाई जल्दी जल्दी से निपटाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हस्बैंड चले गए थे बच्चों को लेने के लिए मदरसे, तो उनके आने से पहले, बच्चों के आने से पहले मुझे जल्दी से करनी है सफ़ाई। और एक थोड़ा सा हमारा काम आज गलत हो गया था, वो ये हो गया कि जो हमने शीट लगाई है ना, वो शीट लगा के हमें हो गया है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि सारी जो है ना पूरे घर में ग्रीन ग्रीन हो रहा है सहन में ना, तो जो वीडियो थी वो पूरी मेरी ग्रीन हो गई थी, और मैंने इतनी वीडियो आज कट की है ना इसमें से कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की वीडियो बनी थी जो मुझे काटनी पड़ गई, क्योंकि पूरा ग्रीन ग्रीन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इंशाल्लाह इसको हम सुबह हटा देंगे। सफाई के बाद यहाँ पे हो रही है जी डस्टिंग। डस्टिंग मैंने अपनी शीशे की, ड्रेसिंग की और अपनी बेड की कर दी थी जल्दी जल्दी से। सिर्फ मैंने पूरा काम तो कर लिया था, सिर्फ मेरा वॉशरूम रह गया था, वॉशरूम मैं अब बाद में कल वल निपटाऊँगी, क्योंकि आज मैं पूरा दिन काम में लगी रही थी, तो पता ही नहीं चला टाइम का, और टाइम भी बहुत कम था। आपको पता सर्दियों के दिन है तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है,
तो बस यहाँ पे डस्टिंग भी हो गई हमारी, और जुहा को मैंने तैयार भी कर दिया था, हालांकि नहलाना था लेकिन जुहा को फिर मैंने ऑयलिंग करके वैसे ही मुँह धुला दिया। मैं कहा इसको नहला दूंगी सुबह में नेक्स्ट डे ना, तो अभी जो ज़रूरी काम है वो करके निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से चादर वादर बिछा रही थी मैंने बच्चों के आने से पहले पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कुरान खानी हो गई, शुक्र अल्लाह का। काफ़ी दिन से हम कह रहे थे कि लेकिन मदरसे के बच्चे अवेलेबल नहीं हो रहे थे, आज अवेलेबल हुए तो हमने आज करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तैयारी हो गई है बच्चों के आने की, बच्चे बाहर खड़े हैं हमारे घर के, चादर वादर बिछ गई है, अभी बच्चे पढ़ेंगे बैठ के। हाँ इसमें रखा है पुराने पाक निकालो, हाँ पूरे 30 है, बच्चे लाइन से रख लेंगे, खुद ही आप निकालो वो बच्चे रख लेंगे वैसे। हाँ पूरे है ना, हाँ अभी जुहा का पानी गर्म रखने रखा था, यहाँ रख दो उसके ऊपर, बुला लो बच्चों को। चलो अभी मैं आप ऊपर जाओ, मैं आपको नहलाती हूँ, जाओ ऊपर जाओ, पानी गर्म हो गया, मैं आपको नहला के लाती हूँ। अल्लाह से बच्चे पढ़ने वाले, बैठ जाओ सब, चादर और बिछा दूंगी अगर कम पड़ेगी तो, हनी सही है ना, बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं से। नहलाना था लेकिन बच्चे आ गए, काफ़ी सारे बच्चे माशाल्लाह से 25-30 बच्चे आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी रौनक लगी हुई है। कुरान पाक की तिलावत आप लोग सुन रहे होंगे, अंदर कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। अब हस्बैंड को भेज रही हूँ मार्केट के बच्चों के लिए कुछ लेकर आए, समोसे बिस्किट वगैरह, और जोहा को मैंने मुँह धुला के रेडी कर दिया। जी माशाल्लाह से कुरान खानी हो गई है, अब मैं उठाती हूँ से चादरें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो है हमने कुरान खानी करवा ली है, शुक्र अल्लाह का। अब्दुल से इसको संगवाते हैं फिर अपने और काम करते हैं, खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह घर में कुरान खानी हो चुकी है। अच्छा हनी यहाँ पे बहुत ग्रीन ग्रीन लग रहा है, अंदर बिल्कुल सही लग रहा है, बाहर देखें तो ग्रीन ग्रीन का लग रहा है, और पता है मैं कुकिंग भी कर रही हूँ तो उस पर ग्रीन 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 आ रहा है, ऐसे नज़र नहीं आ रहा, तो शेड के ऊपर धूप पड़ रही है, हमारा शेड ग्रीन। हाँ चलो जी, खुश हो गए खान साहब, कोई वो तो नहीं है, बच्चे खुश हो के गए, जजाक अल्लाह, बैठो शाबाश, जल्दी से मामा कंघी करें आपको, जल्दी बैठो जल्दी से बैठो, हाँ सही से बैठो, लेग क्रॉस करके बैठो, शाबाश। ये देखो यहाँ पे जुहा की कंघी हो रही है, कंघी करके पूरा सर साफ करके फिर इनके कज़न आ जाएंगे, अब हस्बैंड चले गए अम्मी को लेने के लिए और बहन के बच्चों को लेने के लिए, फिर जुहा आराम से खेलती रहेंगी, फिर मैं खाना पकाऊंगी। चलो लाओ, ये है जी लोहे की स्टील की कंघी है, लेकिन ये बड़ी प्यारी होती है, इससे जो है बच्चों के सारी लीखे वीखे भी निकल आती हैं बच्चों के, जैसे मैं एक हफ्ते बाद जब मारती हूँ ना जुहा के सर में, पूरा सर जुहा का ना साफ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने जुहा के बालों में लगा दिया ऑयल और टोनी भी कर ली, जुहा के लिए मेरे बहन भाई आएंगे, मैं बहन भाई के साथ खेलूंगी, इनके कज़न आ रहे हैं और नानो आ रही, नानो के साथ खेलेंगी ना ये। और देखिए ऑयल करके ना, एक मिनट दिखाओ, देखो ऑयल करके ना जुहा के मैंने अच्छे से कंघी वंगी मार के पूरा सर साफ कर दिया, और कान कान दिखाओ कान, देखो इनके कानों में मैंने ऑयल अच्छे से लगा दिया, यहाँ वहाँ सब जगह पे ना के कान में। चलो आ जाओ, आओ बिस्किट खाए, आ जाओ, चॉकलेट नहीं है सुपर बिस्किट है, आ जाओ फिर अभी जल्दी खाओ, मुझे खाना पकाने जाना है, नानी आ रही है, सालन पकाऊंगी बेटा, चॉकलेट वाला आ गए, और लाइट लाइट जलाती हूँ एक मिनट, चलो जी चलो सब आ गए, आ गए जी आ गए, लाइट नहीं है इसलिए, चप्पलें यहाँ उतारो सब, चलो जी चलो, नानी अम्मी भी आ गई, अच्छा अंदर आ जाओ फिर, यहाँ पे अंधेरा हो तो रहे ना, अंदर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जोहा संभालो बैग संभाल के रखो, चलो जल्दी बैग संभालो बेटा, उठाओ सारा सामान, तेरी मुबारक हो बेटा मुबारक हो, अम्मी पहली दफ़ा आई है मेरे घर में ना, मेरे अपने जाति घर में, मेरे अपने घर में, वरना रेंट के घर में तो अम्मी आप आती रहती हो, अम्मी कैसा है, अच्छा अम्मी पहली दफ़ा देख रही है, चलो पहले सांस वांस ले लो फिर बताना कैसा है, कमरा कितना बड़ा है, दूर तो है अम्मी जाहिर है दूर तो है, तो अम्मी अब गुजारा तो करना है ना यार, बोल रहा था नहीं यार बताओ बड़ा खैर मुबारक भाई, खैर सर पे आ कर दूं, ये अम्मी लाई है मिठाई मेरे पहले वाले घर में ना, पूरे नए घर में, थैंक यू अम्मी, घर कैसा लगा अम्मी आपको, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है ना, ये बनाऊंगी अम्मी, जब जब पैसे आएंगे ना तो अलमारी और दो छतरी बन जाएगी, तो ये सामान सब सेट हो जाएगा, बहुत शुक्रिया अम्मी, पहले सामान ले लो आप फिर दिखाएंगे, अम्मी खुद देख लेंगी अपने घर में, तो खुशी हो रही है मुझे, सांस लेने तो अम्मी थकती हैं, मुझे मालूम है ना मेरी माँ है वो थक गई है, मैं तो बता रही मेरी
खुशी है तो मैं तो नहीं, वो आप लेकिन थोड़ी देर सांस लेने दो मम्मी को। वैसे यकीन नहीं होता मम्मी की, अल्लाह पाक ने दे दिया ना अपना घर, बहुत खुशी होती है। हाँ तो खानी है मिठाई, ये लाई है अम्मी मिठाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो खिला दो, पहले मुझे खिला दो। मुबारक हो, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आमीन आमीन। जल्दी से बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ खाने, बना रही हूँ मैं आलू, शिमला मिर्च और कीमा, ये तीन चीज़ें बना रही हूँ मैंने। यहाँ पे शिमला मिर्च भी धो के रख दी थी, आलू भी धो के रखे हैं, और मैंने कीमा भी धो के रख दिया है, आलू मैंने भिगा दिए हैं। वो जल्दी जल्दी शायद ये रेसिपी पता नहीं पूरी मैं दे पाऊँ कि नहीं, क्योंकि जो है ना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने, और बस जल्दी जल्दी मैं खाना पका रही हूँ। और यहाँ पर मैंने साग निकाला हुआ है अम्मी के लिए, साग में तड़का दूँगी, साग निकाला है मैंने यहाँ पर ना, और मुझे लग रहा है हमारे सिलेंडर में गैस कम है, क्योंकि अभी ये खुद बुझ गया था, और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई है। आज के लिए आप लोग को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी वीडियो हो गई है हरी इस शर्ट की वजह से, तो ये हमारा हो गया नुकसान, जो हमने इसको ख़रीदा था हमें आइडिया नहीं था, इसका नुकसान हो गया है। अभी सुबह उतारेंगे ताकि हमारी वीडियो का अच्छा एक सही आए, क्योंकि मेरा मोबाइल भी अभी इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है, अब ये लगा दिए तो और हरा हो रहा है, तो और अच्छा नहीं आ रहा, तो इसको सुबह हटाना पड़ेगा, सारी मेहनत ज़ाया हस्बैंड की। और यहाँ पे भी बात हो रही है हमारी, फ़ोन पे बात हो रही है, इंडिया में बात हो रही है फ़ोन पे, इंडिया में बात कर रही है मेरी कज़न है ये, फरीदाबाद दिल्ली, दिल्ली में बात कर रही है अम्मी, इंडिया में ना अपनी कोमल है ना, मेरी खाला की बेटी है ये, मेरी खाला की बेटी से बात हो रही है इंडिया में, और ये रहते हैं राजा खेड़ा में, नहीं दिल्ली रहते अभी, तो मतलब उनका अपना आबाई घर तो राजाखेड़ा में है ना, नहीं नहीं तो इसका तो ससुराल को नहीं घर है, तो वो तो ससुराल है ना, अम्मी अब्बू को जहाँ हम जाते थे इंडिया, वो तो राजाखेड़ा में था ना, तो ये रहती है इंडिया में, हम लोग इनके घर जाते हैं हमेशा, जब भी जाते हैं ना इंडिया, इनके यहाँ जाते हैं हम। इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, और साथ में डाला है मैंने साबुत गर्म मसाला, और इसको मैं डाल के थोड़ा डाला है जीरा, डाला है हाफ टी स्पून, और दो तीन काली मिर्चें और लौंग, और एक दालचीनी का टुकड़ा बस। इसको अच्छे से भून के इसमें डालेंगे अपने ड्राई मसाले, जो के हैं जी ना हल्दी, नमक, धनिया, पिसी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये ऐड करते हैं जल्दी जल्दी से इसमें। चलो बिस्मिल्लाह मान लीजिए, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा और हल्दी, नमक हसबी ज़रूरत, और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, बस ये मसाले डालेंगे, इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो। फिर इसमें डालेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्चें। जी बेटा नहीं नहीं स्लाइड अंदर नहीं, आप यहीं खेलो बेटा। इसमें डाल देंगे हम अपनी हरी मिर्चें और टमाटर, अब टमाटर और हरी मिर्च को भूनते हैं, फिर डालेंगे अपने इसमें आलू, और इसको थोड़ा गलाएंगे, फिर एंड में डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, शिमला मिर्च जल्दी गल जाती है ना इसलिए, तो लगाते हैं ढक्कन। हमारे टमाटर हो गए सॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो ये सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर, अब इसमें हम डालेंगे अपने आलू, आलू डाल के इसको गलाने रखते हैं अपने कीमे को, और कीमा आलू दोनों एकदम गल जाएंगे। आलू दौड़ डालिए, बच्चे खाते हैं ना शौक से, इसी आलू दौड़ डालिए, चलो जी इसको भून के इसमें अब डालते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें दो गिलास पानी डाल दिए, अभी आराम से गल जाएंगे आलू और हमारा, तो ये गल जाएंगे हमारे, फिर मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। की हालत देखो, ये क्या पहन के बैठी है, मम्मा का दुपट्टा साड़ी बना लिया बिल्कुल इन्होंने, गद्दा एक तरफ से बैठ गया अम्मी जान। गद्दा बैठ गया एक तरफ से, यहाँ पे अम्मी मोबाइल देख रही है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, जोहा साड़ी पहन के पता नहीं क्या कर रही है, मेरा खाना पक रहा है, हस्बैंड गए हुए हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं ना चूहे, हाँ देखा
चलो देखो सारे खिलौने यहाँ फैलाए हुए, सब मटोली है, अपने सब खिलौने अंदर ले आए ये लोग। देखो क्या कबाड़ किया हुआ है यार, ये क्या है टोफियाँ, सबको टोफियाँ मिल रही हैं, सबको मिल रही है, सबको हिस्सा बाटी से मिल रही है, बराबर 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 मिलेंगी ना ये लोग, फिर लड़ेंगे। बात सुनो, रैपर उठा के डस्टबिन में डाल लें, ओके। चलो जी, यहाँ पे आज हो गया शुगल मेला, एक्चुअली रौनक लग गई घर में, और कल और रौनक लगेगी घर में हमारे, ये देखें। और सुबह होगा हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये हट जाएगा क्योंकि इसको हटाना ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरी वीडियो ख़राब हो रही है, सारा हरा ही हरा आ रहा है, जैसे कि आपने कल देखा होगा मेरी इस वीडियो में ही पूरा हरा हरा था, इतना वीडियो मैंने काटी है, उफ मैं आपको बता नहीं सकती कितनी वीडियो मैंने कट कट करके, इतनी मज़े की वीडियो बनी थी लेकिन सारी काटनी पड़ गई क्योंकि हरे हरे। यहाँ पे जी हो गया है हमारा सालन, ऑलमोस्ट हल्की सी कसर बाकी है, तो अभी जो है ना मैं डालने लगी हूँ इसमें आलू। ओ आलू तो डाले हैं, क्या हो गया क्यों मुझे, ये है शिमला मिर्च, ये डाल देते हैं और इसको अब थोड़ा दम देते हैं जब तक हमारी शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि शिमला बस जी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बस, बस लपेट दो उसके अंदर, लपेट दो यहाँ पे, ये बन रहा है उसके बाद लगाते हैं मज़ा सा खाना। थोड़े से खीरे काट लेती हूँ और यमी यमी सा खाना, थोड़ी अम्मी के लिए ना वो साग में थोड़ा भगाल लगा देती हूँ, साग खा लेंगी, अम्मी को साग अच्छा लगता है ना, बना लो साग। हाँ साग लगा लेते अम्मी को, हनी आपके लिए तो, हनी आपके लिए तो फिर वो हो गया ना डबल मेहनत उतारना पड़ेगा, वो कोई मसला नहीं, हमारे प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। देखो ऐसे ऐसे होते हैं मियाँ, कसम से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई बात नहीं, कि मेरे मियाँ कह रहा है कोई बात नहीं मेरी जान उतार दूंगा आपके लिए मैं, और ऐसा ही है ना। देखो थोड़ी, देखो ये ऐसे आप बोलो फांसी चढ़ जाए, नहीं नहीं फांसी नहीं चढ़ाना, फांसी नहीं चढ़ाना, फिर इतना मैं हंसी मजाक के साथ करूंगी है, ये तो घर का काम है करना पड़ेगा। सही है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह हनी, ऐसे मियाँ मिलने चाहिए। हाँ चलो जी, यहाँ पे जो है हमारा सालन को ढक देते हैं, थोड़ा दम हो जाए, फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया और मज़े से गार्निश करेंगे। और यहाँ पे काटती हूँ मैं खीरा, और खीरा काटने से पहले अम्मी के लिए ना साथ में भगाल लगा देते हैं। यहाँ पे मक्खन डाल दिया है, मक्खन और घी, इसमें डाल लें हैं आपने साग का तड़का, ये साग मैंने बना के रखा है, जब मेरा दिल करता है ना तो मैं उठाती हूँ और फटाफट से तड़का दे देती हूँ उसमें, तो मज़े का काम हो जाता है। थोड़ा ये बर्फ़ वाला हो रहा है, डाल दिया जीरा, जीरा डाल के थोड़ा पीछे करो भाई, अरे ये पटाखे मारेगा पटाखे, थोड़ा सा पानी होगा, हाँ कुछ हो जाएगा ना सारा भी। अब इसको भूनते हैं अच्छे से ताकि हमारा ये अच्छे से भून जाए, यहाँ पे साग हो जाएगा या सालन हो जाएगा। हो गया हमारा साग माशाल्लाह से भून गया, देखो कितना मज़े का लग रहा है ना, ये भून गया हमारा साग, इसको बंद कर देते हैं हमने चूल्हे को, ये वाला हो गया सालन, अभी मेरा रेडी हो रहा है, सालन की शक्ल कुछ इस तरह से, चलिए ढक देते हैं दोबारा। दोहा के मज़े काके के, अभी यहाँ पे इनकी मौज लगी हुई है, आज दो दो भाई आए हुए इनके, यहाँ हमारा खाना भी तैयार हो गया माशाल्लाह, कितना मज़े का लग रहा है, ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना खाना, खाना रेडी हुआ है, अब बस डालते हैं धनिया जो हमने काट के ना मैंने रख दिया था, बिस्मिल्लाह ये डल गया हमारा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर है यानी धनिया है पाउडर नहीं है। मैं देख रही थी कि आप मेरी बात पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, हम लोग सोए हुए हैं क्या सारे, नहीं मैंने कहा शायद आप नींद में हो, मैं होऊंगा ऑडियंस तो नहीं नींद में जो देख रही है। मैं तो ऑडियंस की, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ कि आपके सामने कर रही थी ना मैं धनिया पाउडर, कि आप पकड़ते कि नहीं पकड़ते, मैंने भी आपको कहा ना हम लोग सब सोए हुए हैं क्या। चलिए बंद करते हैं बिस्मिल्लाह, हनी नीचे से बंद कर दें, जल्दी सिलेंडर बंद कर दें, ये सिलेंडर यहाँ से हो गया हमारा बंद, हम निकाल लेते हैं, खाना हो गया तैयार, दस्तरखान लगाइए जो आपकी जोहा की ना रूटीन है, जोहा की ड्यूटी है ये दस्तरखान लगाने की, और ये लेके जा रही हैं काके, खाना लग रहा है, यहाँ खाना निकल रहा है, देखने में मजे का लग रहा है, खाने में भी मजे का ही हो, तो जब देखने में मजे का तो खाने में कैसे मजे का नहीं हो, नहीं खाने की आप दूसरी प्लेट ले आओ ठीक है। अच्छा यहाँ पे लग गया हमारा दस्तरखान, और आज हमारे दस्तरखान पे माशाल्लाह से रौनक हुई भी है, अम्मी आई हुई है, अस्सलाम कर दो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम,
माशाल्लाह से दस्तरखाने पे काफ़ी रौनक लगी हुई है। अम्मी है, बच्चे हैं, तीन दिन माशाल्लाह से बच्चे हैं दस्तरखाने बैठे हुए। और यहाँ पे है अम्मी का साग, ये साग मैंने हल्का दिया है साथ में, ये काम कर रहे हैं, ये है आलू, कीमा, शिमला मिर्च, ये सामने वाला और आगे सब आ गए। बिस्मिल्लाह पढ़े, स्टार्ट करें अम्मी, और खा के बताना कैसा बना। हाँ जी आ गए हो फिर किचन में। हाँ यार मैं तो बता, जो खाने के पड़े वो थोड़ा धोके जान चढ़ाऊं, तो सुबह धो लेती, ठंड हो रही है अभी, पड़े रहते हैं ना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा दो चार बर्तन है पता, धोके जान चढ़ाऊं। मम्मी के आने से कैसी रौनक हो गई, किसी रौनक लगी है, मजा आ रहा है। हम तीन लोग ही एक दूसरे के मत्थे लग रहे हो, हम इस शक्ल देख रहे होते आज अम्मी और बच्चे आ गए ना, रौनक लगी हुई है ना, मजा आ रहा है। बस अभी मैं फटाफट से बिस्तर लगा देती हूँ, आप भी लेटो, थक गए हो आप, और आपकी आप बिस्तर लगा दो ये करके, क्योंकि बच्चे भी हैं वो भी लेटेंगे, सारे ही लेटेंगे सुबह से लगे हुए पागलों की तरह। अभी तुम्हारी मेहनत जाया हो गई कि मैंने ये करवाऊंगी दोबारा, खैर है कोई नहीं, ये उतार देंगे सुबह। चलो जी अब जो अच्छा, हाँ मुझे जो काफी लोग बोले थे ना, आप ही आप लोहे की ग्रिल लगवा लें, आप ये चीज लगवा लें, तो मैंने आपको देखने पहले बोला है, मेरी बड़ी फेवरेट सब्सक्राइबर को मैंने बोला है लोहे की ग्रिल भी अगर लगवाने लगूंगी तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपए चाहिए, कम से कम भी 25,000 की लगेगी। नहीं नहीं 30-40 लोहा बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है अब वो लोहा लगाना तो कोई हाथ से करके आ जाए, लोहा भी कम से कम जो है ना महंगा है, और अभी मेरी इतनी है नहीं, मेरे पास इतना है नहीं, तो जब मेरे पास होगा ना इंशाल्लाह तो मैं लगवाऊंगी, होगा तो मैं फिर लोहे की ग्रिल भी मैं पूरा पैकिंग करवा लूंगी इंशाल्लाह। वो तो हमने बोला तो है कि ये बंद ही ऐसा ही हो जाएगा, जैसी ये छत है ना वैसी आ गई छत डल जाएगी। और बस आप लोग प्लीज ये ना बोला करो, आप ही ये लगवा लो वो लगवा लो, तो अभी ना काफी लोग बोलते एक कमरा बनाया है, एक कमरे की होती है वो भी मैंने उधार में बनाया है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं पैसे, तो जैसे अभी ना मैं इस ज्यादा काम नहीं करवा सकती क्योंकि मैं कर्जा उतार रही हूँ, जब मेरा कर्जा बताएगा ना फिर हम बना लेंगे। असल में इंसान अपनी चादर देख के पैर फैलाता है ना, जितनी गुंजाइश है उतना काम कर लिया हमने, आगे अल्लाह और गुंजाइश देगा इंशाल्लाह। बिस्तर अभी लगा रही हो? हाँ बिस्तर दूसरे लगा रही हूँ, नलका भी सेट कर दिया मैंने इनको, अब थोड़ा सा रह गया वो भी कर दूंगा। मुझे इसका सबसे अच्छा पता क्या लगता है, ये आराम से यूज करके धो लो वॉश मशीन में, मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मजा आता है धोने में। दिखाओ, नहीं ना ये यार काफी देर इसको हो रहे, आप डाल दो ये, वो खा लेंगे, डोगी खा लेंगे, डाल दो ये थोड़े से बचे थे बस बिरयानी, ये डाल दो, अच्छा पेट भर जाएगा डोगी का। हाँ आप आपके लिए रखी थी मैंने, आपने खाई नहीं, अब नहीं डालने जा रहे हैं। हाँ चले यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए सारे, यहाँ सुखाने रख रहे हैं, सुखाने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्टैंड पे, और मेरा पूरा ये साफ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये एक पतीली रह गई है मेरी, ये ढक्कन रह गया, इसको भी धो के जान छुड़ाती हूँ, पूरा किचन मेरा ऑलमोस्ट डन है, साफ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जा रही हूँ बिस्तर लगाने, सारा काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इसको पानी में भिगा दें, मैं धो दूंगी बाद में, ठीक है। यहाँ मैंने पानी की बोतल ही भर दी अपनी, आप जाते हैं अंदर, आप लेंगे थोड़ा सुकून का सांस, औरतें कितना काम करती हैं ना, पूरी रात काम कर कर के पूरा दिन, फिर एक सुबह होती है जिसमें बंदा आके सुकून से अपने बिस्तर में बैठता है, थोड़ा सा बातें शातें करता है और फिर सुकून की नींद सोता है, ये होता है, हैं नहीं रात में, रात में तो एक रात ही तो होती है अम्मी जी सुकून की, वरना पूरा दिन यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से वहाँ भाग, ये काम कर वो काम कर, और फिर सुबह रात में ना बंदा सुकून की सोता है और सुबह फ्रेश उठता है, फिर वही रूटीन, ये है औरतों का काम। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने सबके बिस्तर, चलो जहाँ अभी लेट जाओ, फिलहाल अभी लेट जाओ, जिसने भी लेट, चलो यहाँ पे बिस्तर लग गया बच्चों के, लेटो लेटो बेटा, चलो यहाँ लेटो भाई की बराबर में, चलो हाँ ऊपर यहाँ पे अम्मी मैं और जोहा, नीचे हस्बैंड और बच्चे लेटेंगे, चलो लेट जाओ, शाबाश। मैंने दो डबल चादरें बिछा दी है नीचे और कारपेट है फोम वाला, तो टेंशन नहीं होगी, और मैंने अपनी रजाई दे दी है गरम, और यहाँ पे हम लोग इसमें गुजारा कर लेंगे। चलो सही, लेट जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके बिस्तर भी लग गए और काम भी सारे हो गए, मैंने अपना बिस्तर भी लगा लिया, अम्मी लेट गई हैं वहाँ पर जोहा और मैं लेट जाएंगे, हस्बैंड यहाँ नीचे लेट जाएंगे बच्चों के साथ, अब मैं सोने लगी हूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही है, क्योंकि सुबह जो है ना फिर हमारे घर में लगेगा माशाल्लाह से रश, रोना के लगेंगी क्योंकि सुबह होगा हमारे घर में महफिल मिलाद, जो कि मैंने खुद ही पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15 हो रहे, पूरे 11:15
और मैं उठ जाऊँगी सुबह इंशाल्लाह 10 बजे तक। तो फिर उठ के सारे काम करने, सफाइयाँ फिर करनी है, सारे काम और निपटाने हैं, मिलाद की तैयारी भी करनी है और खाने वाने का भी देखना है इंशाल्लाह। तो सुबह का व्लॉग ही बड़ा मस्त होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है और जो न्यू चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। व्लॉग को एंड करते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल किया, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहते हो, अल्लाह हाफिज़, मुझे नीचे लेटना, नीचे नहीं लेटना, ऊपर लेटो, अल्लाह हाफिज़।